हेलो एवरीवन, अज आप पंजाब पटवार 2021 के सिलेबस के बारे गल करांगे, जिद एग्रीकल्चर 10 नंबर की पूछी जाऊगी। इस एग्रीकल्चर के विचों आप रबी क्रोप्स, खरीफ क्रोप्स, उन्हों का सोइंग पीरियड ते वैरायटीज, यानी कि हाड़ी रबी क्रोप्स होंगे, हाड़ी दियाँ फसलां, हाड़ी दियाँ फसलां, ते खरीफ होंगी है सौनी दी फसलां। हाड़ी ते सौनी दियां फसलां ते उन्हां दा सोइंग पीरियड, यानी कि उन्हां दा बिजाई करन दा समा, बिजाई करन दा समा कदों बीजिया जांदियां ने, है ना, उन्हां सारे बारे आपां डिस्कस करांगे। ते उन्हां दियां वैरायटीज यानी कि किस्मां, कि कड़ी किस्मां रबी ते यानी कि हाड़ी ते सौनी दियां फसलां दियां कि किस्मां होंदियां ने, वो आपां इहदे विच डिस्कस करांगे। उस तो बाद तुहाडा सोइल्स ऑफ पंजाब, यानी कि पंजाब दियां मिट्टी, पंजाब विच कि मिट्टी पाई जाती है, उहदे विच भी आपां डिस्कस करांगे। जिवें पंजाब दे विच काली मिट्टी है ना, काली मिट्टी, चीकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी, ये सब इतने मैं लिख देना, चीकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, ये सब सोइल्स ऑफ पंजाब दे विच, यानी कि पंजाब दे विच कि सोइल्स पाई जाती ने, वो सारी आप इतने डिस्कस करांगे। उस तो बाद इरीगेशन सिस्टम, यानी कि सिंचाई करन दे कि साधन हैं, सिंचाई करन दे कि साधन हैं, किड़े-किड़े सिंचाई सिस्टम, जिहड़े इरीगेशन सिस्टम है, वो जिहड़े कित्थे-कित्थे लगे हुए हैं, इन्हां सारे बारे आपां डिस्कस करांगे। उस तो बाद एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि एग्रीकल्चर दे बेस दे उत्ते किहड़ी-किहड़ी इंडस्ट्रीज लगियां हुई ने, जिवें शुगर मिल, शुगर केन दी प्रोडक्शन, शुगर केन जिथे जाता है ना, उत्थों खंड बनती है, वो शुगर मिल है ना। इस तरह एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जिहड़ी जिहड़ी लगियां ने, उसके बारे भी आप गल करांगे। उस तो बाद फूड प्रोसैसिंग, यानी कि जिहड़ी फूड की प्रोसैसिंग होंगी है वो किस तरह होंगी है, किवें होंगी है, तो किस किस की फूड प्रोसैसिंग होंगी है, जिमें जैम जैली, तुसी नाम सुने होगा जैम जैली, या अचार, कोई भी अचार है, नींबू का, अंब का, वो सारे की फूड प्रोसैसिंग जिहड़ी है वो आपां इहदे विच डिस्कस करांगे। उस तो बाद सिलेबस दे विच दित्ता गया कि हार्मफुल फ्रेंडली इंसैक्ट्स एंड एनिमल्स टू एग्रीकल्चर, यानी कि जिहड़े इंसैक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े होंदे आ ना, वो नुकसानदायक ने या फिर फायदेमंद ने, फायदेमंद ने किहड़े किहड़े इंसैक्ट जिहड़े फायदेमंद ते किहड़े किहड़े नुकसानदायक ने, किहड़े किहड़े फायदेमंद ने, इन्हां सारे बारे, जिहड़े एनिमल्स ने वो भी नुकसानदायक भी हुंदे ने ते कुछ फायदेमंद भी हुंदे ने, वो किहड़े किहड़े ने, वो सारे आपां इस टॉपिक दे विच जिहड़ा है डिस्कस करांगे। उस तो बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि इंडिया दे विच इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे विच एग्रीकल्चर का किन्ना हिस्सा है, की जिहड़ी है इकोनॉमी दे विच एग्रीकल्चर की रोल प्ले करता है, ये सारा इस टॉपिक दे विच आपां डिस्कस करांगे। उस तो बाद है इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, यानी कि कड़ी कड़ी इंस्टीट्यूट्स ने एग्रीकल्चर दे रिलेटेड, ये सारी आपां डिस्कस करांगे। इस तो पहला आपां इस इट्स जीके गुरु चैनल दे उत्ते तुसी वेखोगे कि 1 नंबर वीडियो दे विच ये इंस्टीट्यूट्स जिहड़ी इंस्टीट्यूट्स ने रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ये सारिया कुछ जी अमेनमेंट्स ने वो मैं डिस्कस करती ने, तुसी उत्थे जाके जी है वीडियो वेख लियो। उस तो बाद आप इस सिलेबस तो इलावा आप कुछ एग्रोफोरेस्ट्री जो सिलेबस दिता गया है वह भी आप डिस्कस करा कि होंगी एग्रोफोरेस्ट्री, ये होर ब्रांचिज ने, है ना, वो सारा आप डिस्कस करा। उस तो बाद हॉर्टीकल्चर, हॉर्टीकल्चर मैं वर्ड थोनों एक नंबर वीडियो दे विच दस्या है कि हॉर्टीकल्चर दे विच आपां, हॉर्टीकल्चर दे विच आपां फ्रूट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन्हां दोनों की आपां कल्टीवेशन करते हाँ,
या उन्होंने की स्टडी करने आप हॉर्टीकल्चर कहते हैं कहते हाँ। उस तो बाद आप एनिमल हसबेंडरी का पोर्शन भी आप करांगे इस दे विच, यानी कि एनिमल्स के बारे आप भी ये पढ़ांगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जिहड़े है एनिमल हसबेंडरी हॉर्टीकल्चर ते एक आ पार्ट हार्मफुल इनसैक्ट एंड एनिमल्स ये भी पूछे जाते हैं। तो सब जिहड़े चार टॉपिक ने एक रबी एंड खरीफ क्रोप्स, एक आ टॉपिक ते एक हॉर्टीकल्चर एंड एनिमल हसबेंडरी, चारों के पूरे एग्रीकल्चर के इन चारों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस तो बाद कुछ आप जनरल एग्रीकल्चर का जो पार्ट है वह भी करांगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जिहड़े पूछे जाते हैं। हुण आप गल करते हैं जनरल एग्रीकल्चर। जनरल एग्रीकल्चर के आप डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि खेतीबाड़ी की परिभाषा की होंगी है ये सब आप कर चुके हाँ एक नंबर वीडियो के। उस तो बाद हिस्टरी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का यानी कि खेतीबाड़ी का इतिहास की है, टर्म्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर कि एग्रीकल्चर के नाल रिलेटिड टर्म्स ने वो सारिया आप डिस्कस कर चुके हाँ। रेवोल्यूशन रिलेटिड टू एग्रीकल्चर ये भी अपना टॉपिक हो चुका है। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स ये भी जिहड़ी मेन मेन इंस्टीट्यूट ने वो मैं थोनू करवातियां ने, तुसी उन्होंने जाके इट्स जी के गुरु जी चैनल है, इट्स जी के गुरु जी इस चैनल के उत्ते तुसी जाके जिहड़ी है एक नंबर वीडियो एग्रीकल्चर की पई है वो तुसी जाके देख लेनी है, जिदे विच आपां ये पांच पहले पांच टॉपिक जिहड़े है कवर कर चुके हाँ। उस तो बाद मैं थोनू मेडिसिनल ते एरोमेटिक्स जिहड़ियां क्रोप्स होंदियां ने, मेडिसिनल यानी कि जिहड़ियां क्रोप्स यानी कि फसलां जिहड़ियां दवाइयां वास्ते अपने यूज विच आउंदियां ने जिन्हां दी वरतों करदे हां वो कि क्रोप्स होंदियां ने, उन्हां दे की यूजेज ने वो सारे आप करांगे। उस तो बाद प्लांट हारमोनस एंड देयर फंक्शन, यानी कि प्लांट हारमोनस जिवें फसलों नू ग्रो करने वास्ते कुछ हारमोनस कुछ ताकतवर जिहड़ी है पदार्थों की लोड़ होंदी है वो किहड़े किहड़े हन है ना, वो किहड़े किहड़े आपां जिहड़ा उत्तों उन्हां नू प्रोवाइड करवा सकते हैं प्लांट्स नू वो किहड़े किहड़े हन वो सारे आपां इहदे विच डिस्कस करांगे। जिवें तुसीं जिवें छोटा बच्चा हुंदा है उहदे ग्रोथ वास्ते आपां उन्हां नू कॉम्पलाइन या होर भी जिहड़े जिहड़े बॉडी ग्रोथ हारमोनस ने उन्हां नू दिंदे हाँ, उस तरह प्लांट्स नू वी जिहड़े ग्रो करन वास्ते जिहड़े हारमोनस की लोड़ पैंदी है। उस तो बाद आपां विटामिनस, विटामिनस दे बारे सारे ने सुनिया होगा पढ़िया भी होगा, विटामिनस ए विटामिन बी सी डी है ना के ये सारे जिहड़े जिहड़े विटामिनस हुंदे ने उन्हां दी डेफिशंसी दे कारण की जिहड़ी बीमारियां हो जांदियां ने ते उन्हां दे किहड़े किहड़े सोर्स ने जिन्हां तों आपां विटामिनस जिहड़े आ उह जिन्हां तों आपां नूं विटामिनस मिल सकदे हन वो सारे आपां डिस्कस करांगे। ये आपां विटामिनस कित्थों बने ने, विटामिनस किन्ने हुंदे ने, की डेफिशंसी हुंदी है, इन्हां सारे आपां डिस्कस करांगे। इन विटामिनस दे विच आपां कुछ होर भी जिहड़ा भी जे विटामिनस आपां ज़्यादा लै लईए या विटामिनस जां मिनरल्स आपां ज़्यादा लै लईए तां उहनां की कारण जिहड़ियां बीमारियां हो सकदियां हन है ना, ये सारा आप डिस्कस करांगे। उस तो बाद इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट जिहड़े किहड़े किहड़े यूज़ किए जाते हैं की यानी कि जिहड़े इंस्ट्रूमेंट माप दे विच यूज़ किए जाते हैं उन्होंने जिवें इंस्ट्रूमेंट मैं तुम दस दिना हाँ, जिवें विंड की स्पीड, हवा की स्पीड, हवा की गति मापन वास्ते जिहड़े जिहड़े इंस्ट्रूमेंट हुंदे ने, जिवें कोई फ्रूट पक्या है ना उहदे विच जिहड़ा इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुंदा है वो भी आप इंस्ट्रूमेंट्स जो टॉपिक है ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे आप डिस्कस करांगे। उस तो बाद इंपोर्टेंट डेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है ना, किहड़े किहड़े डेज यानी कि दिन जिहड़े जिहड़े मनाए जाते हैं एग्रीकल्चर के रिलेटेड, जिवें 5 जून है ना, जिवें 15 मार्च 1 अप्रैल ये सारे जिहड़े है आप डिस्कस करांगे। उस तो बाद जिहड़ा क्रोप्स यानी कि फसलों का जन्म यानी कि ओरिजन जिहड़ा फसलों का जन्म जां आप कह दिंदे आ भी जिहड़ा ओरिजन है वह कित्थों होया है ना, ये सारा आप
वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। फादर उन्हां दे फादर या फाउंडर ऑफ डिफरेंट फील्ड्स यानी कि केड़ी केड़ी फील्ड्स ने उन्हां दे फाउंडर कौन ने जिवें जेथ्रो टुल हो गया है ना जेथ्रो टुल जीरो टिलर्स दे फादर कौन ने ये सारे आपां डिस्कस करांगे। उस तो बाद अगला अपना टॉपिक है क्लाइमेट। क्लाइमेट यानी कि मौसम मौसम के बारे आप इस टॉपिक तो विचों आप जानकारी लवेंगे। सारे ने स्टेटोस्फीयर एटमोसफीयर की जी जड़ियाँ लेयर होंदिया ने है ना एटमोसफीयर वर्ड भी सारे ने सुनिया होगा एटमोसफीयर वर्ड जिद स्टेटोस्फीयर मीजोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर है ना ये सारे वर्ड सारे ने सुने हुए होंगे। ये सारे आप जड़े है डिस्कस करके जावांगे। उस तो बाद एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स यानी कि हाड़ी दियाँ फसलों दियाँ केड़ी केड़ी एग्जाम्पल ने केड़ी केड़ी हाड़ी दियाँ फसलों आप ग्रो करते हाँ उन्होंने होर कि होर फसल आदि ने यह सारे आप डिस्कस करांगे। खरीफ क्रॉप्स सौनी दियाँ फसल केड़िया ने यह सारी आप इस चैनल के थ्रू जोड़ा है याद करके जावांगे। जैड सीजन ए सीजन ज़्यादातर आप हाड़ी तो सौनी दो ही जोड़े सीजन आप फॉलो करते हैं ये एक होर सीजन हूँ जैड सीजन या आप कह दें समर सीजन है ना ये जोड़ा सीजन है ये सिर्फ दो या ढाई महीनों का होंगे है दो तो लैके ढाई महीनों का ये आप क्रोप्स जी जिन्हों का लाइफ सइकल जोड़ा जिन्हों का सइकल दो या ढाई महीनों का होंगे वो आप ग्रो करते हैं जिमें तरबूज हो गया है ना या तरबूज होर की मतीरा पानी वाला है ना मतीरा सॉरी मतीरा या खरबूजा ये सारिया जड़ी हैं जैड सिम जैड सीजन के क्रोप्स होंदिया ने एक होर भी तुसी याद कर सकते हो जिमें समर मूंग या मूंगी है ना मूंगी की दाल। उस तो बाद आप जोड़ा है सी थ्री सी फोर साइकल्स केड़ी क्रोप्स आदियाँ सी थ्री सी फोर साइकल किसी ने वर्ड सुने हुए होंगे सी थ्री साइकल सी थ्री सी थ्री तो सी फोर साइकल फोटोसिंथेसिस के उत्ते बेस ने प्रकाश संश्लेषण क्रिया के उत्ते फोटोसिंथेसिस फोटो एक मिनट वेट करियो फोटोसिंथेसिस है ना सी थ्री साइकल्स इतने मैं थोड़ा थोड़ा दस दिना सी थ्री साइकल्स यानी कि सी थ्री साइकल्स क्रोप्स आदि ने जिन्हों का 95% जोड़ा है लगभग 95% जोड़ा है पूरा पूरा प्लांट जोड़ा है हरा रहता है हरा है ना हरा रहता है तो जोड़ा बाकी बच्चा जोड़ा 5% है वो जोड़ा है पूरा प्लांट्स जि पूरा तेने कह सकते 5% जोड़ा प्लांट्स है वह हरा रहता है ये 95% प्लांट हरा रहता है ये 5% जोड़ा है वह प्लांट्स या क्रोप्स जी है हरी रही है उस तो बाद जी 95% जी क्रोप्स है वह सुक जाती है ना सुक जाती है जिमें फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा दस दिना ये गन्ना ये इस एग्जाम्पल सी थ्री के राइस यानी कि झोने की फसल तो या फिर कणक की फसल है ना ये सी थ्री सी फोर एग्जाम्पल ने यह मैं थोनू वीडियो के दस दूंगा कि कड़ी कि एग्जाम्पल्स केड़े सीजन ये होंगे ने कि महीनों के जोड़े सीजन होंगे ने कड़े टाइम पर जोड़े है ये रबी क्रोप्स आप सो करते हैं यानी कि उगाने किड़े टाइम पर आप इन्हों की वाढ़ी कर लें सारा जोड़ा है वीडियो के दसागे। इस तो बाद थोड़े एम सी क्यू का एक जोड़ा टॉपिक है वह करावे एम जी एम सी क्यू पूछे जाएंगे थोड़े को चार ऑप्शन वो दिखा हो एक ऑप्शन जी है वो टिक करनी है
ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਹੈ ਜਨਰਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਬੀ ਕਰੋਪਸ ਅਤੇ ਖਰੀਫ ਕਰੋਪਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ।